देखिए, हमने बिजली पे चर्चा करने के लिए भी कहा है, बिजली की स्थिति लगातार जब से सरकार बनी है खराब होती जा रही है। किसान को रात को बिजली दी जा रही है, वो भी टुकड़ों में दी जा रही है। लगातार BCR भरने का काम चल रहा है, लगातार ट्रिपिंग चल रही है। जो 24 घंटे सिंगल फेज मिलनी थी वो 4 घंटे भी नहीं मिल रही है। 3 फेज जो किसान को 6 घंटे मिलनी चाहिए वो 3 घंटे भी नहीं मिल रही है। अघोषित एक कटौती बिजली में लगातार चल रही है। और यही नहीं, बिजली विभाग के द्वारा पंचायतों के और PSD विभाग के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ गाँव के अंदर पब्लिक भारी परेशान है, उनको दिक्कत आ रही है। इसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें बिजली के लिए करने वाले लोग बिजली की जो स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है उस पर कोई बात नहीं कहना चाहते हैं। आज सदन में हमारे विधायकों ने, आज ही नहीं जब से सत्र चला है, पहले दिन से बिजली की जो समस्याएँ आ रही है उनके लिए लगातार वो क्वेश्चन और स्थगन लगा रहे हैं और हम चर्चा भी इस पर चाह रहे हैं। देखिए, बिजली के तंत्र में राजस्थान में काफ़ी बाधाएं हैं और ये सब कांग्रेस राज की पैदा की हुई है। इन्होंने पूरे पिछले 5 सालों में इस बिजली तंत्र को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया है, हम इसको ठीक करने में लगे हुए हैं। पहला हमारा लक्ष्य था कि हमारे उत्पादन के जो जितने भी पावर स्टेशन हैं, थर्मल पावर प्लांट हैं, वो ठीक से चले और उसके लिए कोयले की व्यवस्था हो। अब हमारे पास लगभग 25 रेक डेली कोयला पहुंच रहा है। कहीं कहीं कोई पिछली मेंटेनेंस की कमियां रही, उसकी वजह से जो पहले हमारा काली सिंध थर्मल पिछले दिनों से बंद था, अभी पिछले 2 रोज से हमारा छबड़ा थर्मल भी वहाँ ट्यूब लीकेज होने से वो बंद हो गया, और एक सूरतगढ़ का पावर प्लांट भी हमारा इरेक्शन के टाइम से ही उसमें कमियां होने के वजह से वो भी अभी बंद है। इस वजह से थोड़ी अभी बिजली की शॉर्ट सप्लाई हो रही है और लगभग 1500 से 2000 मेगावाट की हमारे पास अभी बिजली की कमी है। उसको ठीक करने में लगे हुए हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस कमी को केंद्रीय कोटे से पूरा किया जाए। इसके लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हमें सकारात्मक केंद्र से प्रयास भी मिल रहे हैं, जवाब भी मिल रहा है। आने वाले 1-2 दिन बाद में दिल्ली जाकर के फिर पुनः बात करेंगे कि कैसे केंद्रीय कोटे का जो हमारा बिजली है उसको राजस्थान को, जब तक हमें समस्याएं रहे वहाँ तक 1000 मेगावाट राजस्थान को उपलब्ध करा दिया जाए तो काफ़ी कुछ हम ठीक स्थिति में आ जाएंगे। अभी आने वाली गर्मियां हमारी ठीक निकल जाएंगी।